मसीहो, तुम दिन में शायद ना दिखाई दो, मगर जब रात होगी तो आप ही चमकेंगे। दिन में वो लाइट, दिन में ये लाइट शायद ना दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे रात होगी वो लाइट का की रोशनी और बढ़ती चली जाएगी, आपकी चमक तो और बढ़ जानी चाहिए। आप कहां से निराश हो गए, आप कहां से हताश हो गए, आपकी बाइबलें तो और खुल जानी चाहिए। जितनी रात होगी हमारी चमक उतनी बढ़ जाएगी। और ये सेवा हमारी नहीं है। बहुत लोग आए, हमारे पापा ने बड़े काम किए, यहां बहुत लोग बैठे उनके पापाओं ने बड़ा काम किया, लेकिन सब चले, लेकिन काम चल रहा, खूब चल रहा। मूसा भले ही बूढ़ा हो गया, लेकिन हारून और हूर तो हाथ उठाए हुए हैं अभी भी। हारून और हूर बूढ़े हो जाएंगे फिर कोई और उठा लेगा, और जरूरी नहीं कि बच्चे ही उठाए। मूसा का कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ा, यहोशू तो कोई और था। चेलों के किसी बच्चे का नाम नहीं दिया, तो कहते भाई उनका बच्चा मिनिस्ट्री में नहीं, उनका बच्चा मिनिस्ट्री। चेलों के तो कोई बच्चा मिनिस्ट्री में नहीं। पतरस के किसी बच्चे का नाम जानते हैं आप? नहीं, कोई नहीं जानते। बहुत से लोग जो चेले थे प्रभु के, उनके परिवार का कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभु का राज्य फैल रहा। 2022 आ गया, प्रभु का राज्य फैल रहा। जितना मार काट कर रहे हैं, जितना हम लोग को तोड़ रहे हैं, उतना हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने आपको बताया था, ये इन लोग को कोई बताए कि भाई मसीहियों को मत छोड़ो, ये सब बेहाया लोग हैं। बेहाया का पेड़ पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, एक डंडा होता तो एक होता ना, उसको 10 ठो काट दीजिए वो 10 में से जड़ निकल जाता है। तो ईसाई लोग जो है सब बेहाय है, जितना काटोगे ना, हर काट में से एक जड़ निकलेगी। मैंने कहा हर टुकड़े में से एक जड़ निकलेगी। बहुत दूर नहीं, नेपाल के बारे में 1990 के पहले वो जो राजा था, कई पास्टर लोगों को जिंदा जला दिया। कुछ ही दिन के बाद उसी के राजमहल में, जो बाकी लोग जानते हैं कहानी क्या था, कौन किसने मारा, क्यों, जो उससे हमको मतलब नहीं, खत्म, पूरा खानदान खत्म हो गया। पूरा खानदान, उस राजा का पूरा खानदान नेस्त नाबूद हो गया, एक जन नहीं बचा। और उसके बाद आज देख लीजिए नेपाल में मसीहत की बाढ़ लगी हुई है, खत्म हो गया राजा का, वो वही निजामी खत्म हो गया। मसीहों को जो छुएगा मित्रों, मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं मेरी जिंदगी के साथ, मेरे जानने में, जिन्होंने मसीहत को छुआ, उनकी संस्थाओं को छुआ, बड़ा भारी उनके ऊपर। अरे मरने को तो सभी मर रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए मरेंगे तो हमेशा जिंदा रहेंगे। मैंने कहा प्रभु के लिए मरेंगे तो हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ, इतना तो भरोसा है, मरने को तो सभी मर रहे। एक चेला आया था थोमा नाम का, साउथ में उसने धूम मचा कर गया। आप जाइए साउथ, हर कोने पर एक तो चर्च दिखाई दे जाएगा। एक आदमी ठीक है, मारा गया, उसको भाले से मार दिया, चलेगा। मैंने कहा ना मर तो सभी रहे, आप कौन से कहें कि अमर होकर के रहेंगे। लेकिन बहुतों को आपने जिंदगी दे दी, आप वो बीज थे। यीशु मसीह ने कहा जब तक बीज भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, आप वो बीज हैं जो मरना नहीं चाहते, और बिना मरे आप फल नहीं लेके आएंगे। हम और आप एक बीज है, एक एक बीज है मित्रों। परमेश्वर का कलाम है हम लोग, हम लोग को कोई बाइबल का वर्जन नहीं चाहिए, ये वर्जन, वो वर्जन, फलाना वर्जन। पौलुस ने कहा कि हमारी पत्री तुम हो, तुम हो, तुम्हारे माथे पर लिखा रहना चाहिए, तुम्हारे चरित्र पर लिखा रहना चाहिए, तुम्हारी बोली में लिखा रहना चाहिए। अपने आप को एक मशाल बनाइए। हम वो नगर हैं जो पहाड़ पर बसा है और जो छिप नहीं सकता। अरे हमको बड़ी वाली गाड़ी दीजिए, बड़ी वाली बस दीजिए, अरे हमको ये दीजिए वो दीजिए। सारपत की विधवा, एक तो विधवा, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेटे का, घर में थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, गैस भी खत्म, बिन क्या रही थी। लेकिन वो उस नगर के समान थी जो पहाड़ पर बसा है और छिप नहीं सकता। मतलब उस पूरे राज्य में अगर एलिया को कोई दिखाई दिया तो वो विधवा दिखाई दी। केवल आपके गरीब होने से, आपकी जिम्मेदारी होने से, आपके पास कमी होने से
आप छिप जाएंगे कतई नहीं। अगर आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आप उस नगर के समान हैं जो पहाड़ पर बसा है। जहां हम रहते हैं अमेरिका में चारों ओर पहाड़ है। रात में जो बड़े बड़े मकान है वहां पे, अरे बड़े बड़े मकान, करोड़ों के मकान, दिनवा में दिखाई नहीं देते, रात में टन 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 लाइट चमकती रहती है। आजकल तो ये आजकल एलईडी लाइट आ गई है ना, तो पैसा ऐसा तो लगता नहीं इसके अंदर, तो सब जलाए हुआ है। अरे अरे इतने मकान कहां थे, दिनवा में तो दिखाई नहीं देते। अरे वो नगर पर बसे हैं, वो पहाड़ पर बसे हैं वो, और जब रात में जब अंधेरा होता है तब वो दिखाई देते। मसीहो तुम दिन में शायद ना दिखाई दो, मगर जब रात होगी तो आप ही चमकेंगे। दिन में वो लाइट, दिन में ये लाइट शायद ना दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे रात होगी वो लाइट का की रोशनी और बढ़ती चली जाएगी। आपकी चमक तो और बढ़ जानी चाहिए। आप कहाँ से निराश हो गए, आप कहाँ से हताश हो गए, आपकी बाइबलें तो और खुल जानी चाहिए, आपके गाने तो और अब बढ़ जाने चाहिए, आपका बजाना आपका भजन करना, जितनी रात होगी हमारी चमक उतनी बढ़ जाएगी। पौलुस और सिलास दिन के दोपहर नहीं आधी रात में ऐसा चमके कि सब लोग पर रोशनी चमक गई। बाइबल कहती जो अंधियारे में बैठे थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। हालेलुया। दिन में वो तारा पता नहीं उनको दिखाई दे रहा था कि नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही रात हुई उन्होंने तारे को फिर देखा और खुश हुए। हम और आप वो दीपक है मित्रों, दीपक रात से घबरा जाए, दीपक इस पार्टी से उस पार्टी से घबरा जाए, दीपक अपनी गरीबी से घबरा जाए, अरे दीपक तो अंधेरे के लिए ही बना है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और दीपक रात के लिए बना होता है। थैंक यू।